और अहम खबर आपको देंगे, कोयचा और तुर्बत में दहशत गर्दों के अलग अलग हमले। इन हमलों में 4 से 5 दहशत गर्द मारे गए, 7 से 8 जख्मी हुए हैं। फायरिंग के तबादले में FC के 4 जवान भी शहीद हुए हैं। अहमद मंसूर बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ हैं, उनसे मजीद हम बात करेंगे। जी अहमद, बताइएगा। देखिए, बलूचिस्तान में FC को 2 मुख्तलिफ वाकयात में टारगेट किया गया है। ISPR ने जिसकी तफसीलात बताई हैं, ये कोयटा और तुर्बत में FC पर 2 दहशतगर्द हमले हुए हैं। जो पहला हमला है वो पीर इस्माइल ज्यारत के करीब FC की पोस्ट को निशाना बनाया गया है। फायरिंग का शदीद तबादला हुआ दहशतगर्दों के साथ और 4 से 5 दहशतगर्द मारे गए हैं, 7 से 8 जख्मी हुए हैं, जबकि FC के 4 बहादुर जवान इस मुकाबले में शहीद हुए हैं। 6 फायरिंग का जो शदीद तबादला हुआ उसमें। दूसरा वाकया तुर्बत में पेश आया है, FC की गाड़ी को IED से निशाना बनाया है दहशतगर्दों ने। और इस दूसरे वाकये में 2 FC के जो सिपाही हैं वो जख्मी हुए हैं। और ISPR का ये कहना है कि जो दुश्मन एजेंसियां हैं वो इन वाकयात के पीछे हैं, जो अनासर हैं उनको वो बैक कर रही हैं। और जो ये एक अमन हासिल किया गया है सख्त जो मेहनत के बाद और खुशहाली है बलूचिस्तान में, इसको सबोताज नहीं होने दिया जाएगा, ISPR ने ये कहा है। पुरअज़म है दहशत गर्दों के जो मजमूम मकासद हैं, अजायम हैं, उनको नाकाम बनाने के लिए अपने खून और जिंदगियों की कीमत पर उन्हें नाकाम बनाएंगे, ये भी ISPR की तरफ से कहा गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका अहमद मंसूर, तफसीलात के लिए।